पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना डैडी को? हाँ देर हो गई है, इतना वर्क प्रेशर है उनके ऊपर। मम्मा प्रिंसिपल से बात तो हो गई, अब डैडी को बताना है या नहीं? एक बार ऑफिस से आने दे, फिर मूड देखकर डिसाइड करते। डैडी का मूड अच्छा है या बुरा तू बता। मूड तो बुरा ही है, हम सबको देखकर उन्होंने स्माइल भी नहीं किया। वैसे जिस दिन राज को रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिलता है ना, तब भी राज का मूड ऐसा ही होता है। मम्मी आपको पता करना ही होगा, इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ डैडी के पास ही हो सकता है। थैंक यू। दिन कैसा था? हद से ज्यादा ड्रामेटिक। प्रेजेंटेशन थी ना आज, कैसी गई? कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं जज्बातों में बह गया और कमिटमेंट कर बैठा। और ये था कि कोशिश करने के बाद भी अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम? अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम एक महीने की सैलरी नहीं लेंगे। सर एक महीने की सैलरी तो क्या, एक दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। I know. अब कियारा मैम के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं है। राज पर सैलरी दांव पे कैसे लगा सकते हो? उन तो कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है। नो रिस्क नो रिवॉर्ड। बहनी कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। क्या इशारे बातें चल रही है? नहीं मैं देखती हूँ। हेलो दादा। वहीं मैं बात करूं। देख राजू हाँ तू टेंशन मत ले, अथर्व को स्कूल से नहीं निकालने दूंगा मैं उनको, जितवा के रहेंगे अपन ये मैच। देख माना कि गलती हुई, मतलब अथर्व के नाम का चैलेंज नहीं देना चाहिए था वो कोच को मैंने, लेकिन जान लगा के जिताएंगे ये मैच। ना ही अथर्व मैच हारेगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। ये सब क्या है बंधु? अथर्व को स्कूल से निकाला जा सकता है का क्या मतलब है? वहनी इसको नमक और शक्कर का सोल्यूशन दे दो। क्या राजू का ऐसा ही है, इसको टेंशन आता है तो डिहाइड्रेशन होता है, अभी चक्कर भी आ सकता है। एक मिनट दादा, मुझे ना ये नमक चीनी का सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सब क्या किया तुमने? अरे जितना अभी वहनी ने बताया उतना ही, चैलेंज लिया है। अगर हम लोग मैच जीते तो अथर्व टीम में इन, और अगर मैच हारे तो अथर्व टीम से नहीं स्कूल से बाहर। हाँ मतलब वैसा ही कुछ, लेकिन लेकिन अपन ऐसा होने नहीं देंगे, तू फिक्र मत कर। फिक्र कैसे नहीं करूंगा दादा मैं, ये कोई तरीका हुआ? तुम्हें कोई बात गलत लगी इसीलिए तुम जाकर कोच और वो प्रिंसिपल से लड़ लोगे? गलत को गलत उसी वक्त बोलना पड़ता है, ये तो बाद में बात आई गई हो जाती है समझा, और अगर सही हो ना तो सीना ठोक के बोलो कि तुम सही हो। अरे तुम्हारे सही साबित करने के चक्कर में ना मेरे बेटे की स्कूलिंग खराब हो रही है। मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है ना मेरे पे भरोसा? चलता है, लेकिन अपने बेटे पे तो भरोसा कर। अरे अच्छा खेलता है वो, टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मैं भी जानता हूँ अथर्व को टीम में होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ अथर्व बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हर बात को कहने का करने का ना एक सही तरीका होता है। तुम हर बार गलत तरीका ही क्यों चुनते हो? देख तेरे गुस्सा करने का ना वो कोच पर जाके कर। वो क्या ना,
तुमने किया मेरे हिस्से का गुस्सा, इसीलिए तो इस मुसीबत में हम। ए अथर्वा, समझाना अपने बाप को कि अपन जीतेंगे करके। काका, बिना कोचिंग के। अरे मैं करेगा ना कोचिंग। और वैनी, तू फिकर मत कर, मैंने वो ऑफसाइड, रेड कार्ड, येलो कार्ड, पेनल्टी सब कुछ देख लिया है मोबाइल के वीडियो पे। ये वीडियो देखकर तुम कोच कर लोगे और बच्चे जीत जाएंगे। अरे यही तो चैलेंज है ना राजू, जो नहीं आता है वो करके दिखाने का। आसान नहीं होगा, लेकिन वो बोलते ना आग का दरिया है डूब के जाना है जैसा। अरे दादा, तुम्हें शायरी सूझ रही है या मेरे बच्चे के भविष्य का दी एंड होने जा रहा है? ऐसा तू सोचता है क्योंकि तूने मन बना लिया है कि हम लोग हारने वाले। अरे ये भी सोच के हम लोग जीत सकते हैं, 50-50 का चांस है बॉस। 50-50 चांस कैसे है? ये क्या हेड्स एंड टेल्स है कि कोई भी एक आएगा ही आएगा? दूसरी तरफ जो बच्चे है ना, वो प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं, वो भी काफी समय से, और फिर भी अपना अथर्वा उन सबसे अच्छा खेलता है। तू सोच सकी, अगर इसको थोड़ी सी भी कोचिंग मिली ना तो कितना अच्छा खेलेगा। पर दादा, फुटबॉल टीम स्पोर्ट होता है ना, अथर्व और विद्युत के अलावा भी तो और प्लेयर्स होंगे ना टीम में। अरे तो पूरी टीम अगर मिलके प्रैक्टिस करेगी साथ में तो सबका खेल सुधरेगा ना। अरे यार, तुम लोग अगर ये सोच के बैठोगे कि हारने वाले तो पक्का हारेंगे। डर इंसान को कमजोर बना देता है राजू। एक जंग हो या खेल, दिमाग में जीता जाता है यार। ये सब बातें ना, ये सुनने में अच्छी लगती है। ओके, प्रैक्टिकली सोचो। मैंने सोच लिया है, अभी तुम लोगों को बताने का है कि तुम लोग किसकी टीम में हो। उन अमीरजादों की टीम में जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं और इसीलिए वो सिलेक्ट होते हैं, या फिर अथर्व की टीम में जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है उनके खिलाफ मैच खेल के। दादा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपने चुना है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है और नुकसान है। राजू, लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं, लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की। और अगर तू चाहता है ना कि अथर्वा सिर्फ ये मान के बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास पैसा है और उनको नहीं जिनके पास टैलेंट, तो बोल दे मुझे, मैं अभी जाके नाक रगड़ लेता हूं वो कोच के सामने। तो अगर नहीं तो कल अथर्व को कोचिंग के लिए भेज, मैं कल से इन बच्चों की कोचिंग शुरू करना चाहता हूं। मैंने मन बना लिया है, मैच तो खेलना ही है और जीतना भी है। अथर्वा, खुल के खेलना छोटे, अगर भविष्य दांव पर लगा है किसी का तो वो तेरा लगा है, तू ही उसको बचा सकता है। राजू, लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं, लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की। क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, सब ट्राई करके देख लिया राज, प्रिंसिपल से बात भी की। काश मैं होता आज फील्ड पर, बात बिगड़नी नहीं देता। पापा, अथर्व अगर मैच जीत गया ना तो स्कूल के ना फुटबॉल टीम में आ जाएगा। मनोज ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अथर्व अगर हार गया तो क्या होगा। प्लीज भगवान जी, अथर्व को जिता दीजिए प्लीज। हो गया, अब हमें बस अथर्व का साथ देना होगा। मैं तुम्हें दादा की बात को समझता हूं। आज ऑफिस में तो मैंने बड़ा लेक्चर झाड़ दिया, कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, पर यहां आकर मैं घबरा गया। तो मनोज दादा तो बहुत कॉन्फिडेंट है अथर्व को लेकर। डैडी, डैडी, इस बार मनोज काका गलत नहीं है, अथर्व के साथ सच में इंजस्टिस हुआ है।
क्या? डैडी, बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई मैं मानती हूँ, पर सिलेक्शन सही नहीं हुआ है और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।